नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में स्थित भवनों के जीआईएस सर्वे में किए गए कर निर्धारण के विरुद्ध आपत्तियों के निराकरण के लिए शुक्रवार को जीआईएस समाधान दिवस का आयोजन लखनऊ नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकीनाथ हॉल में किया गया। यहां विकास शिविरों के माध्यम से 1427 शिकायतें गृहकर को लेकर के आई थी। जीआईएस समाधान दिवस में नगर आयुक्त, सभी अपर नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, सभी जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ जीआईएस सर्वे की मौजूदगी में समस्या का निस्तारण किया गया। इस शुक्रवार को समाधान दिवस में जोनवार 294 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें से सभी आपत्तियों का निस्तारण मौके पर नगर आयुक्त की निगरानी में कर दिया गया। जीआईएस समाधान दिवस में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा अध्यक्षता करते हुए सभी भवन स्वामियों की शिकायतों को सुना गया और सभी जोनल अधिकारियों को शत प्रतिशत निस्तारण के निर्देश दिए गए। आज जो समाधान शिविर लगाया गया, इसमें अब तक कितनी समस्याएं प्राप्त हुई और कितनों का निस्तारण किया गया? देखिए, आज सुबह 9 बजे से ये शुरू किया गया था, जैसे कि हर शुक्रवार को होता है। इसमें सारे अधिकारी आज के महापौर के भी बैठे हुए थे और इसमें करीब जो है 294 समस्याएं आई थी और सबका ही ये निर्देश था अधिकारियों का कि यहीं पर इसका निस्तारण किया जाए, तो सभी 294 शिकायतों का निस्तारण यहीं कर दिया। ज़्यादातर किन जोन में समस्याएं अधिकतर अभी? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आज आई थी जोन 7 में 66, और मेरे ख्याल जोन 3 में आई है 61 और 6 में 59, ये मैक्सिमम। बाकी हर जगह 15, 20, 18 ऐसे ही। अभी लगभग कितने इतने गिरहकर दाता होंगे जिनकी समस्याएं अभी आनी बाकी है, कितने दिन तक शिविर चलाया जा सकता है? अब देखिए, हम लोग करीब ये आज 5वां शिविर था और 5वें शिविर में मोर आर लेस राउंड अबाउट 300 के आसपास शिकायतें आ रही हैं। 9 बजे से लेकर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग कुछ सुनते हैं, तो यही देखा गया कि एवरेज 300 शिकायतों का है। तो अब देखिए आगे कब तक घटता है, अभी 300 से नीचे नहीं आया, अभी 294 आज है, अगली बार देखते हैं कितना घटता है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।